नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं ढेर सारा खाना बनाऊंगी और ढेर सारे बच्चों को खिलाऊंगी भी। दोस्तों मैं जब ऐसा खाना बनाती हूँ दोस्तों बच्चों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और आप लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कमेंट करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। और बेल्जियर से एक भैया है, उन्होंने पैसा दिया है बच्चों लोग को खाना खिलाने के लिए, तो मैं उन्हीं पैसे से आज बच्चों लोग को भोजन कराऊंगी। तो आप लोग चलिए और लास्ट तक हमारे वीडियो को लगते रहिएगा। तो ईंट का मैं चूल्हा बना ले रही हूँ, कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा रखूँगी तो अच्छे से चूल्हा पहले बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो कढ़ाई के बाहर साइड में नमक लगा देती हूँ जिससे साफ करने बहुत आसानी हो। नमक को हमने लगा लिया है, रख देते हैं कढ़ाई चूल्हे पे। तो इस साइड हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम चूल्हे में आग को जला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बुनिया बनाऊंगी दोस्तों, जिसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो कलछुल से इसको अच्छे से चला देते हैं जैसे चीनी हमारा जल्दी से थोड़ा सा घुल जाए। तो चलाते हुए हम चीनी को घोल लेते हैं। तो प्याज को हम धो लेते हैं। तो तड़के के लिए हम प्याज को काट लेते हैं। तो और प्याज जो है सिलबट्टे से हम पीसेंगे और हम तड़के के लिए काट लेते हैं। तो आज को हमने थोड़ा सा तेज रखा हुआ है और चीनी हमारी घुल चुकी है, तो थोड़ा सा इसको हम उबलने देते हैं। तो सीरा उबल रहा है तो मही जो है एक साइड हो रहा है, तो मही को मैं निकाल देती हूँ थाली में। तो दोस्तों मार्केट से हमने सामान मंगाया हुआ है पनीर बनाने के लिए और बुनिया बनाने के लिए। तो मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है तो मैं थोड़ा सा जल्दी करके बना ले रही हूँ। तो दोस्तों सीरा हमारा एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है, तो मैं आँच को एकदम कम कर देती हूँ। तो सिलबट्टे से छोटी इलायची को हम पीस लेते हैं। तो छोटी इलायची को हमने पीस कर और इस सीरे में डाल देते हैं। अब इसके बाद हम कलर डाल देते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों आप लोग चाहे इसमें कलर ना डालें, पर डालने से दोस्तों देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम अच्छे से इसको मिला देते हैं। तो सीरे में हम डाल देते हैं बूंदी। ये बूंदी दोस्तों ये मोटा वाला है, तो सभी को डालकर हम चला देते हैं। तो कलछुल से बूंदी को अच्छे से सीरे में डुबो देते हैं। तो दोस्तों अभी देखने में देखिए सीरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर ये देखिए मोटी वाली बूंदी है। अभी एकदम से अच्छे से बूंदी जो फूल जाएगी और सीरा इसमें अच्छे से हो जाएगा। तो बूंदी देखिए दोस्तों काफ़ी है, सीरा जो है सोख लिया है। तो अब हम दूसरे बर्तन में रखेंगे, इसी में हम अब बनाएंगे पनीर। तो अब बुनिए का हम इस बाल्टी में रख लेते हैं। तो दोस्तों बुनिए में हम खीरा के बीज को डाल देते हैं। तो कढ़ाई में हमने नहीं डाला हुआ था, अब इसमें हम बाल्टी में डालकर अच्छे से मिला देते हैं। तो खीरा के बीज दोस्तों डालने पर बहुत ही बढ़िया बुनिया लगता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा हमारा बुनिया बना हुआ है। आप लोग को अच्छा लगा जरूर हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। तो सबसे पहले हमने बुनी बनाया हुआ था दोस्तों, क्योंकि जो ऐसे बनाने के बाद इसे आधा घंटा इसे रखना पड़ता है जिससे सीरा अच्छे से बूंदी में हो जाए। तो इसे हम ढक कर रख देते हैं, आधे घंटे में हमारा बूंदी जो है एकदम बहुत मस्त बनकर तैयार हो जाएगा। तो सिलबट्टे पे हम लहसुन और प्याज और काजू और टमाटर सभी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो लहसुन को हमने पीस लिया है, अब हम काजू को पीस लेते हैं। काजू को हमने पीस लिया है, अब इस थाली में उठा लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए दोस्तों मैंने ये टमाटर भी पीसूंगी और टमाटर का छिलका हमने उतार दिया है जैसे सिलबट्टे में पीसने में आसानी हो। तो इसे छोटा छोटा काट कर हम पीस लेते हैं। तो इसी कढ़ाई में दोस्तों हम बनाएंगे पनीर। तो कढ़ाई को हमने धोकर साफ करके रख दिया है चूल्हे पे। तो इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे।
तो आप लोग चाहे तो पनीर को तल कर बना सकते हैं इसी तेल में। तो मैं पनीर को तलूंगी नहीं, तो आप डाल देती हूँ जीरा तड़के के लिए। तो जीरे को अच्छे से चटकने देते हैं। तो जीरा चटक चुका है, इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो ये देखिए पीसे हुए प्याज को डाल देते हैं। तो इसे भी अच्छे से हम पकाएंगे। तो प्याज में थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं, नमक डालने से थोड़ा सा जल्दी ये गल जाएगा। तो नमक डालने के बाद इसको हम चलाएंगे। तो प्याज को बहुत अच्छे से हमके गलाना है, तो अब इसे हम गला लेते हैं। तो अब हम पनीर को काटेंगे इस थाली में रखकर। तो दोस्तों आप लोग कोई भी साइज पनीर का दे सकते हैं, मैं ऐसे ही काट दे रही हूँ। ये देखिए, तो सभी मसाले को हमने पीस लिया है। ये मिर्चा हम पीस रहे हैं, इसको भी पीस लेते हैं। तो प्याज देखो काफी गल चुका है, ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा इसको और चला लेते हैं। तो प्याज हल्का सा ब्राउन कलर हो गया, इसमें हम अदरक डाल देते हैं और मिर्चा और लहसुन। तो इन्हीं चीजों को भी पका लेते हैं। तो सभी चीजों को हमने अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं काजू। काजू को डालने के बाद हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। तो थोड़ा सा हमने धीमी आंच किया हुआ है, अब इसे भी अच्छे से हम पका लेते हैं टमाटर और काजू को। तो इस कटोरे में दोस्तों सभी मसाले हमने ले लिया है। धनिया लिया हुआ है, हल्दी लिया हुआ है, और पनीर मसाला, गरम मसाला, और थोड़ा सा हमने इसमें लाल मिर्चा डाला हुआ है जो तीखा नहीं है। तो सभी चीज़ों को इसमें हम पानी डालकर घोल लेते हैं। दोस्तों सभी चीज़ों को हमने पका लिया है, देखिए तेल सब ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला। तो दोस्तों एक एक करके हमने सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो किशमिश खुशबू दोस्तों बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और तो बहुत काफ़ी हल्का हो गया क्योंकि सारा तेल बाहर आ रहा है। तो अब इसी समय हम डाल देते हैं मटर को। मटर को डालकर अच्छे से मिला देते हैं। तो मटर डालने के बाद, अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं पनीर। तो दोनों थाली में के डालकर अच्छे से चलाते हैं। तो पनीर डालने के बाद इसको हल्के हाथ से पनीर को अच्छे से मसाले में मिलाते हैं। तो पनीर को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है, और दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर, और सभी सामग्री दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। पनीर हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो कढ़ाई थोड़ा सा हमें छोटा दिखाई पड़ रहा है, तो मैं पानी डालकर देख लेती हूँ। तो जितना ग्रेवी रखना होगा पतला, उसी हिसाब से हम समझ लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा अगर तो परफेक्ट हमारा आ जाएगा तो इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे, नहीं तो हम दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा पलटेंगे। तो दोस्तों हमने पानी डाल दिया है, तो कढ़ाई में हमें दूसरा कढ़ाई में नहीं पलटना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा से हमारा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, सभी चीज़ों को हमने अच्छे से पका लिया है। बस पानी को ही पकाएंगे, तो तेज़ आंच करके हम पका लेते हैं। तो हम पूड़ी बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए हमने आटे को थोड़ा सा तैयार कर लिया है, और देखिए बच्चे लोग हैं उसको तैयार करा रही हैं, और ये देखिए बारी बारी से आटे को तैयार होगा। तो दोस्तों उस तरफ हमारा पनीर बन रहा है, तो थोड़ा सा मौसम खराब है और शाम भी होने वाली है, तो मैं दूसरी कढ़ाई में इधर पूड़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चे लोग पूड़ी बेल रहे हैं, तो मैं यहाँ छान लेती हूँ। तो कढ़ाई को हमने रख दिया है, अब रिफाइन को इसमें डाल देते हैं। तो
तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं कचौड़ी, कचौड़ी पूड़ी दोनों हम बनाएंगे, तो इसे भी ढेर सारा डालकर हम छान लेते हैं। तो पनीर हमारा अच्छे से उबल रहा है तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। तो थोड़ा सा नमक हमने पहले डाला हुआ था प्याज में, उसी हिसाब से डाल देते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो काफी हमारा पक चुका है पनीर, थोड़ा सा इसको हम 2 मिनट और पकने देते हैं। तो कचौड़ी देखिए एक साइड अच्छे से फूल चुकी है, तो इसको हम पलट देते हैं। तो कचौड़ी बनाने में दोस्तों थोड़ा सा आंच को धीमी रखना होता है जिससे अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो कचौड़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो धीमी आंच में हमने कचौड़ी को बनाया हुआ है, तो देखिए बहुत ज्यादा हमने। तो दोस्तों ऐसे ही सारी पूड़ियों को हम बना लेते हैं। तो दोस्तों पनीर हमारा बनकर तैयार है, देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इसमें हम डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती। तो धनिया की पत्ती डालने के बाद इसको हम चला देते हैं। अब देखिए दोस्तों पनीर हमारी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। दोस्तों ग्रेवी भी जो है बहुत ज्यादा हमने पतला नहीं रखा हुआ है। तो अब हम इसके दूसरे बर्तन पलटेंगे, इसी में भी बनाएंगे पूरी दो जगह। तो कढ़ाई में से पनीर को निकाल कर बड़े वाले बर्तन में रख लेते हैं। तो पनीर दोस्तों हमारा कैसा बना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है हमने खाना, हमारा दोस्तों बनकर तैयार है। चलिए आप लोग दिखा देते हैं हमने क्या क्या बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए हमने पनीर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों हमने बुनिया बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा बना। देखिए दोनों काफी इसमें सीरा था, बिल्कुल सीरा इसमें है नहीं सारा। ये देखिए बूंदी अच्छे से पी चुका है, तो बहुत ही बढ़िया हमारा बूंदी बनकर तैयार है। और ये दोस्तों कचौड़ी हम बना रहे हैं, अभी थोड़ा सा बाकी है तो कचौड़ी भी हमारा बनकर तैयार है। तो दोस्तों आज का खाना हमारा बनकर तैयार है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।